शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 23 केंद्रों पर 6095 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 4565 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1530 लोग शामिल रहे। शुक्रवार को महिला जिला अस्पताल में टीका लगवाने के लिए काफी भीड़ देखी गई। लाइन लगने के बाद भी लोग जल्दी टीका लगवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को भूल कर धक्का मुक्की करते नजर आए। वैक्सीनेशन के संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ के साथ जिला अस्पताल, महिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सीएससी व पीएससी पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सीएमओ ने कहा कि शुक्रवार का लक्ष्य 10,000 निर्धारित किया गया था, जिसके तहत 6095 लोगों को टीका लगवाया गया। इसी के साथ जनपद में 14 लाख के ऊपर लोगों को कोविड का टीकाकरण किया जा चुका है। सीएमओ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन बुक करके ही वैक्सीनेशन कराएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 23 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है और कल जब हम 19,500 लोगों का टीकाकरण किए, हमारी 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं और जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारी अर्बन पीएससीज और रूरल सीएससीज पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर, आज का लक्ष्य हमारा 10,000 का है और सेंटरों पर लोगों की भीड़ है, लोग आराम से टीका लगवा रहे हैं और वैक्सीनेशन अच्छी तरह से चल रहा है। सर, जनपद में अभी तक कितने टीका चुके? जनपद में हम 14 लाख से ऊपर का हम टीकाकरण कर चुके हैं। सर, जनता से क्या? जनता से अपील है कि कोरोना भी गया नहीं है और कोरोना प्रोटोकॉल का, नियमों का पालन करें, जैसे कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और वैक्सीनेशन सभी लोग कराएं, जब उनकी बारी आए तभी वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ इकट्ठा ना होने दें। अब कोशिश करें कि पोर्टल पर पहले से एंट्री होकर के आए, जैसे कि उनको वहां पर पोर्टल में एंट्री करने में समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए।